आज की वीडियो में हम डिजिटल डिस्प्ले के बारे में समझते हैं। यह है 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट। इसमें 3 यूनिट लगे हुए हैं और तीनों के पिनों को हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये जो नंबर शो हो रहा है यहाँ पे, ये नंबर यहाँ से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बीच वाला 7, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर बीच वाला 7। इसीलिए इसे 7 डिस्प्ले सेगमेंट कहते हैं। और ये जो गोल सा है ये है पॉइंट शो करता है। तो जैसे ये डिजिट हमारा शो करता है इस डिजिटल के रूप में, ऐसे ही हमारा पॉइंट शो करता है, यानी एक LED जैसे यहाँ पर लगी हुई ऐसे यहाँ पर है। तो ये 7 हो गया और इसको लेकर ये 8 हो गया, यानी 8 हो गया टोटल। अब यहाँ पे 8 पॉइंट होने चाहिए, लेकिन हम इसको दिखाते हैं कि इसके बैक साइड में यहाँ पे 10 पॉइंट निकले हैं। तो ये यहाँ पर शो हो रहा है 8 और बैक साइड में हो रहा है 10। वो कैसे, उसको देखते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, काम कैसे करता है। अब यहाँ पर देखें, हम स्टेबलाइजर को ऑन करते हैं। ऑन करते ही यहाँ पर देखिए शो हो गया ऑन। अभी 201 आउटपुट हो गया और 155 इनपुट हो गया। इसी तरीके से ये हमारा डिस्प्ले शो करता है। क्योंकि एनालॉग में एक प्रॉब्लम होता था कि उसकी काउंटिंग रीड करना बहुत ही कठिन होता था दूर से देखने पे। ये दूर से देखकर ही हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं और ये क्लियर दिखता है, क्योंकि इसकी जो रीडिंग होती है वो डिजिट के रूप में होती है। जबकि हम अगर एनालॉग को देखते थे तो उसकी निडिल जो है एनालॉग के रूप में होती थी, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होता था, उसमें प्रॉब्लम होता था कि उसका जो वोल्टेज है तो वो अगर फिक्स जहाँ पर 200 लिखा है तो वहाँ पे तो इजी है देख लेना, लेकिन उसके बाद वाले काउंटिंग दूर से देखने में काफ़ी प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वो डिजिट दिखाई नहीं देता था। और ये डिस्प्ले के रूप में दूर ही से शो हो जाता है, अगर अंधेरा हो तो भी ये दूर से शो करता है। तो इसलिए हमको ये बहुत आसान हो जाता है डिजिट के रूप में देखना, इसीलिए डिजिटल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखें, जैसे ये एनालॉग है तो एनालॉग पे जो 200 शो हो रहा है तो इससे तो इजी है, लेकिन इसके बाद जो डॉट है बीच में उसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है रीड करना। जैसे यहाँ पर देखें, अगर 75 वोल्ट है यानी 75 वोल्ट है और 135 आउटपुट है तो ये दूर से भी क्लियर किया जा सकता है। अगर हाई वोल्टेज है तो भी यहाँ पे हाई शो कर देगा। अब यहाँ पे PCB में देखेंगे तो जैसे ये कॉमन है और एक कॉमन 1 है, तो ऊपर साइड में अगर करेंगे, यानी यहाँ पर सबसे पिनों को सबसे पहले देखें, जैसे हम कॉमन 1 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ए है, फिर बी है, फिर नीचे से काउंटिंग करते हैं। अगर क्लॉकवाइज काउंट चलेगी तो क्लॉकवाइज काउंट में आप देखेंगे सबसे पहले ये हमारा कॉमन होगा और कॉमन नेगेटिव होगा, नेगेटिव के बाद ए बी। अब यहाँ पे सी आना चाहिए चूँकि लिखा हुआ DP, DP में मतलब हुआ ये डिजिटल पॉइंट, यानी ये पॉइंट शो करेगा जो डिस्प्ले में ये गोल सा होता है डॉट, ये डॉट हमारा जो है डिस्प्ले करता है पॉइंट, और पॉइंट जो है 2 डिजिट के बीच के जो है अंतर को क्लियर करता है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये है बी है, तो यहाँ पे एक छोड़ के सी, फिर कॉमन, फिर इसको छोड़कर डी ई, फिर यहाँ पे एफ, फिर जी। अब ये जो डिफरेंसेस है, जैसे जी है अलग है, लेकिन अब यहाँ पे सीरियल क्लॉकवाइज नहीं लिखा हुआ है, उसमें उसको क्लियर करने के लिए, यानी इस पिन को क्लियर करने के लिए हमने जो है डायग्राम का यूज किया है और बहुत ही इजी बनाया है। तो चलिए देखते हैं उसे और समझते हैं पॉइंट को। डायग्राम को समझने के पहले यहाँ पर देखेंगे ये प्रिंट, जो PCB का प्रिंट है, यहाँ इस डिस्प्ले जब यहाँ पे लगते हैं, माउंट किए जाते हैं, तो यहाँ पर देखें जैसे हमने दिखाया है वहाँ कि ये बीच वाला जो है कॉमन, तो कॉमन को आप खाली देखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे इस जगह से आया है, तो ये जैसे 1, 2, 3, 4, 5, अभी 5 इधर है और 5 नीचे है, और जैसा कि हमने अभी आगे बताया है कि इसमें 8 पॉइंट शो हो रहे हैं लेकिन 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 एक्स्ट्रा क्या हुआ, ये कॉमन हो गया, यानी एक यहाँ पर देखें NC है,
लेकिन ऊपर देखेंगे तो ये निगेटिव है, ठीक है। तो ये निगेटिव सप्लाई जो है इसे दिया गया है, और जैसे यहाँ पर निगेटिव यहाँ से दिया गया है, ऐसे फिर दूसरे वाले यूनिट में देखते हैं तो यहाँ NC है, और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखें ये जो है निगेटिव यहाँ से दिया गया है, ठीक। तो ऐसे तीनों यूनिट को अलग अलग, जैसे यहाँ पे NC है तो इसके जस्ट नीचे हम काउंट करते हैं यहाँ, फिर इसको निगेटिव यानी दो इधर और दो इधर, ये पांच पिनों के बीच में जो है ये कॉमन है, तो ये एक को निगेटिव यहाँ से, एक को निगेटिव यहाँ से, और इसको निगेटिव ये यहाँ से, वाइट वायर, ये वाइट वाला वायर जो यूज है, ठीक है। तीनों का कॉमन एक नहीं किया गया है, अलग अलग डिजिट में अलग अलग निगेटिव दिए गए हैं। यहाँ पे डिस्प्ले सोल्डिंग किया जा चुका है, अब यहाँ पे इसे समझें। जैसे देखें ये है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, और डिस्प्ले में ये जो यहाँ पर देखेंगे 7 सेगमेंट है, और इसको अगर काउंट करेंगे तो 8 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखें कि जो पिने आउट हैं ये 5 इधर और 5 इधर नीचे, तो इसमें क्या है कि कामन वन और ये कामन, ठीक है। तो ये दोनों एक ही हैं, अगर मल्टीमीटर से इसकी रीडिंग लेंगे अगर बजर मोड पे तो ये बीप देगा, तो यानी एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। अब इसमें जो ख़ास बात है, इसके इंटरनल हमने जो डायग्राम में दिखाया है वो डायग्राम में ये है कि जैसे एक कामन है और कामन से क्लॉकवाइज चलते हैं राइट साइड में, राइट साइड में देखेंगे तो ये है, फिर बी है, फिर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ डायरेक्ट एच मिलेगा, लेकिन एच को छोड़ के हम यहाँ पे जैसे बी है तो बी के बाद सी, फिर सी के बाद ये कामन छोड़ देंगे, फिर डी काउंट करेंगे, डी के बाद ई है, ई के बाद एफ होना चाहिए, तो एफ कहाँ है, एफ यहाँ पे है, फिर एफ के बाद जी होता है, जी यहाँ पे है, ठीक है। फिर इसके बाद जी के बाद एच होता है लास्ट में, अब हम लास्ट में इस पिन को ये इसे काउंट करेंगे। तो अगर हमको चेक करना होगा तो ये जैसे हमने यहाँ पे ग्राउंड GND यहाँ पे शो किया है एरो से, तो ये ग्रीन कलर से यहाँ पे हमने सारे कैथोड यानी जो LED लगे हुए हैं, ये LED लाइट है, जैसे ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये है डी और ये है ई और ये है यफ और बीच में है यच, अब यहाँ सॉरी बीच में जी, और यहाँ पे है पॉइंट जो है जो DP लिखा हुआ है डिस्प्ले पॉइंट, ये है यच। अब इसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे निगेटिव का प्रॉब लगाएं और बजर के मोड पे रख के इसमें एनालॉग में, और अगर आपको डिजिटल से चेक करना है तो डायोड के मोड पे रख के यहाँ पे निगेटिव का प्रॉब लगाएं। निगेटिव का प्रॉब लगाने के बाद यहाँ, क्योंकि निगेटिव यहाँ कैथोड से है तो कैथोड को कामन कर दिया गया है जितने भी LED लगे हुए हैं, जैसे जैसे यहाँ पर देखें ये है, यहाँ से कामन है और यही सीधे यहाँ गया है, ये सारे कैथोड को कामन कर दिया है, फिर यहाँ पे एच वाले कैथोड को कामन कर दिया है, फिर यहाँ नीचे आएंगे यहाँ पे ई और डी, इसको कामन कर दिया गया है, अब ये यहाँ से कामन जुड़ गया तो टोटल यहाँ पे ग्राउंड हो गया, अब इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये कामन यानी दो इधर से पिन छोड़ के दो इधर से बीच वाला कामन हो गया, अब निगेटिव हो गया, निगेटिव यहाँ पर लगा दें। इसके बाद जो दूसरा प्रॉब है यहाँ पर लगाएंगे, तो ये जैसे यहाँ पर लगाएं तो ये जो है ये शो करेगा यानी ये इंडिकेट करेगा जलेगा, अगर रेड है तो रेड कलर का, ब्लू है तो ब्लू कलर का और ग्रीन है तो ग्रीन कलर का शो करेगा डिस्प्ले, अगर सही है तब, अगर फॉल्ट है तो ये नहीं शो करेगा। फिर नेक्स्ट हमारा बी पे आएंगे, बी पे अगर लगाते हैं इसको यहाँ पे कामन पर वो प्रॉब लगा कर रखना है, और यहाँ पर बी पर देखेंगे तो बी पर ये इंडिकेट करेगा इतना एरिया, ठीक है। अब ये एरिया ये है ये वाला, ठीक, जैसे ये ऊपर वाला ये वाला एरिया ये है ये, और फिर ये है बी वाला एरिया। अब इसके बाद सी की ज़रूरत पड़ती है, तो सी कहाँ है, यहाँ पे, यानी टोटल ऐसे सीधा आएंगे तो सी ये है,
अब सी वाले पॉइंट को चेक करना है तो यहाँ पे मल्टीमीटर का प्रॉब लगाएं। अब मल्टीमीटर का प्रॉब यहाँ पर लगाते हैं तो इसे शो होना चाहिए। अगर ये इंडिकेट कर रहा है जिस कलर का है तो ये हमारा ओके है, अगर नहीं जल रहा है तो ये हमारा जो है एलईडी फॉल्ट है। तो ये फॉल्ट कंडीशन में पूरे यूनिट को चेंज करना होगा। अभी ऐसे ही इसी तरीके से डी पर हम चेक करते हैं, तो डी को चेक करने के लिए यहाँ पर मल्टीमीटर को प्रॉब लगाएंगे। कामन यहाँ पर ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी लगा रहेगा। इसके बाद फिर ई पर लगाएंगे। ई पर लगाने के बाद यहाँ पे ई का पोजीशन चेक करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले शो होना चाहिए। फिर इसी तरीके से जी पर लगाएंगे, जी पर लगाएंगे तो ये वाला डिस्प्ले शो होना चाहिए। फिर इसी तरीके से जी पर लगाएंगे, ये जी पर यहाँ पर शो होना चाहिए। और यफ़ पर लगाएंगे, सॉरी यफ़ यहाँ पर है, और यफ़ पर लगाएंगे तो ये शो होना चाहिए। तो इसी तरीके से सारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले को हम चेक कर सकते हैं। इसको लेकर 8 हो गया, और ये जो डिजिट वाला डिस्प्ले है ये 7 हो गया, और पॉइंट वाला 1 होके 8 हो गया। तो इसी तरीके से इसको हम टेस्ट करते हैं। लिखा हुआ है जैसे जी एफ फिर कामन वन, यहाँ पे कामन फिर कामन वन, ए बी फिर यहाँ पर सी, फिर नीचे लिखा हुआ डी पी। तो ये सब क्या है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। चलिए इसकी टेस्टिंग को हम आपको समझाते हैं। जैसे ये है डिस्प्ले यूनिट, अब इसमें देखें 5-5 पिने एक साइड में हैं, 5 इधर हैं 5 इधर हैं, और ऐसे आप अगर इस साइड में ऐसे करेंगे ये ऐसे, ठीक है, ये नीचे जो डॉट बना हुआ है यहाँ भी एक एलईडी जलती है, ठीक है, ये पॉइंट का डिस्प्ले शो होता है यहाँ पे। तो ये जैसे ये हमारा 7 सेगमेंट है, तो इसकी टेस्टिंग के लिए यहाँ ऐसे ऊपर साइड में उठाएं, इसको नीचे साइड में रखें डाउन साइड में, और इसको ऊपर देखें। तो ऊपर देखेंगे तो इधर से 2 छोड़कर ये बीच में कामन है, और फिर यहीं पर नीचे देखेंगे इस साइड में 2 छोड़कर बीच में कामन है। अभी हम आपको मल्टीमीटर से दिखाते हैं कंटिन्यूटी मोड पे। ये देखिए ये है कंटिन्यूटी मोड बजर के मोड में, और यहीं से पिन नंबर 3 पे लगाते हैं, और नीचे से भी पिन नंबर 3। देखिए ये दोनों कामन है, कामन मतलब ये निगेटिव हुआ, और ये एनालॉग मल्टीमीटर है। तो इसमें हमने जो है बताया है कि निगेटिव ये रेड वाले प्रॉब में होता है और पॉजिटिव ब्लैक वाले। तो इसी को हम देखते हुए यहाँ पर लगाते हैं। देखिए जैसे ये है हमारा निगेटिव, तो निगेटिव को यहाँ पे बीच में लगाते हैं, ठीक है, 3 नंबर पिन पे, और यहाँ पे हम इस साइड से शुरू करते हैं जिससे आपको दिखाई दे। देखिए यहाँ पे हमने 3 नंबर पे लगाया। अब जैसे इसमें ए है, यहाँ पर ये दिख रहा है, तो इस साइड में देखेंगे तो 1, 2, 3 कामन हो गया, और इसके बाद वाला ए है। तो ये पे हम जैसे ये नेगेटिव प्रॉब लगाते हैं, तो जैसे देखो ऊपर वाला जल रहा है यहाँ पर देखें, ठीक। फिर इसके बाद ये ए हो गया, अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट बी, ये एक मिनट, ये बी हो गया। तो ये ए हो गया, यानी ये ऊपर साइड वाला जल रहा है, और फिर ये बी ये इस साइड वाला जल रहा है। तो ऐसे हम इसके नीचे में जाएंगे यहाँ पे डाउन साइड में, तो डाउन साइड में देखेंगे तो जैसे ये लास्ट वाला है ये है एच, यानी ये वाला एच है ये। इसके बाद जो है फिर सी है, तो यहाँ पे ए और बी, फिर एक यहाँ पर छोड़ के सी डी ई, सॉरी ये बीच में फिर कामन, फिर यहाँ पे। इसी तरीके से इसको देखते हुए आप इसको टेस्ट कर सकते हैं।